बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है क्योंकि ये ये जो प्रॉब्लम है कहीं भी आ सकता है आप कहीं जरूरी नहीं कि ये हॉस्पिटल में होगा कहीं भी हो सकता है रोड साइड आप कोई फंक्शन में हो तो एटलीस्ट यू शुड नो कि सीपीआर कैसे करा जाता है और आप ये एयरवे कैसा मैनेज होगा हार्ट पे सर्कुलेशन कैसा आएगा तो यू कैन सेव द लाइफ आप एक आदमी की इंसान की जान बचा सकते हैं तो इसलिए इसका अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और इसके कुछ जो प्रोसेस है वही डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए है आपके लिए ताकि वो प्रॉपर वे में किया जाए और वही करने से पेशेंट्स को हॉस्पिटल में उस हालात में पहुंच जाए कि उसको बचाया जा सकता है ये हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं इसके वो इस पर डेमॉन्स्ट्रेशन करेंगे ये डमीज पे और वो आपको भी सीखना है जि, जितना सोफा दिखता है उतना सोफा नहीं है और ये एक आदमी का काम नहीं है क्योंकि इतना ज़ोर ज़ोर से उसको दबाना पड़ता है छाती को और थोड़ा देर में ये आदमी थक जाता है तो आपको उसके आपको यू यूनिट मैन पावर ऑल्सो और उसी वक्त आपको कोई तो भी एम्बुलेंस या हॉस्पिटल में एक मैसेज uh, देना ज़रूरी है क्योंकि पूरा काम रोड साइड या कहीं नॉन मेडिकल सेंटर में होना मुश्किल है जैसे आपने किसी को देखा है हार्ट अटैक घर में है या रोड पे है कोई आदमी पड़ा है या आप कभी कभी जाते हो घूमने के लिए तो ऐसा या कोई पानी में तैर रहा है और सडन वो उनसे बाहर निकलते हैं हम लोग और क्या करना चाहेंगे उस टाइम पे कैसे हाउ टू सेव हिम तो हार्ट अटैक जब आता है पेशेंट को तो आपको कैसा बहुत बार ऐसा लगता है कि पेशेंट एसिडिटी है एसिडिटी है रात भर वो एसिडिटी की गोली या कुछ लिक्विड खाते रहते हैं और मॉर्निंग में आके सडन डेथ होती है तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करना चाहिए ये हमारा आज विषय है अभी आप जहाँ पे कम से कम पचास लोग बैठे हैं इसमें से सिर्फ पचास में से एक ही आदमी को पता होगा कि एग्जैक्टली कैसा सी देना चाहिए कार्डियो पल्मोनरी रिसेशन साइंटिफिक वे से कैसा देना चाहिए बट अपने कंट्री में सिर्फ दो परसेंट लोग हैं इनको टेक्निक पता होगा लेकिन ये प्रोग्राम एक घंटे के बाद में यहाँ के सभी लोगों को पता चलेगा कि साइंटिफिक वे से सी कैसा दिया जाता है बहुत बार ऐसा पुलिस लोगों को सिखाना चाहिए एन के जवान हैं या जो भी कार्यकर्ता है आप लोग इधर उधर घूमने जाते हैं तो उस टाइम पे यह पता होना चाहिए कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू जैसे कोई पेशेंट बेहोश होता है तो मिर्गी का पेशेंट है या कुछ है तो लोग क्या करते हैं उसको प्याज काट के या चप्पल सुंगाना या कुछ बट दिस इज़ रॉन्ग और उसको पानी पिलाते हैं बट वो पानी कांट रखे में जाके उसको डेथ भी हो सकती है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिकल शॉक बहुत सारे लोग उसमें भी सडन डेथ होती है और कोई को लोग शुगर कम होने से भी जैसे पेशेंट है शुगर तीस के नीचे हो गया तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है तो व्हाट डज दिस सीपीआर स्टैंड्स फॉर सी फॉर कार्डियो पी फॉर पल्मोनरी एंड आर फॉर रिसेशन रिसेसेशन का मतलब है जो भी बंद होता है उसको हम शुरू करते हैं बहुत बार हमने हमारे घर में घड़ी रहती है बंद हो जाती है तो उसको हम चाबी देके कैसा स्टार्ट करते हैं कितना देना चाहिए ज़्यादा स्प्रिंग भी आपने घुमाए तो टूट भी सकता है तो ये डेलिकेट काम है और कार्डियोपरमोल रिसेसेशन इज अ सीरीज़ ऑफ़ स्टेप हमारे जो एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पे हमारे हमारे फील्ड के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स है इतना इनका समय इतना कीमती है हॉस्पिटल में कि इनके अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है बट फिर हमारे बहुजन नेता संघ के लिए इन्होंने समय दिया इतना बड़ा हॉल उपलब्ध कर दिया और लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन लाइफ क्योंकि ह्यूमन लाइफ एक ही बार आता है रिस्टोर कार्डियोपरमोन फंक्शनिंग एंड प्रिवेंट इिवर्सिबल ब्रेन डैमेज फ्रॉम द अनऑक्सिया ब्रेन को जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा ब्लड ही नहीं मिलेगा तो ब्रेन की डेथ हो सकती है तो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है एक तो कार्डियक अरेस्ट जिसको हार्ट अटैक हार्ट बंद हो चुका है रेस्पिरेटरी अरेस्ट या उसके लंग बहुत बार कोविड में आप लोगों ने देखा होगा हैप्पी हाइपोक्सिया पेशेंट अच्छे से बात कर रहा है लेकिन दो घंटे के बाद में पता चला कि वो सेचुरेशन कम हो चुका है और सडन डेथ भी हो चुके हैं हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उन लोगों की डेथ होती है बहुत सारे लोग ड्रग या कोई अल्कोहल या कॉम्पोज की टैबलेट या पॉइजनिंग तो उसमें भी इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट है इट इज़ अ लॉस ऑफ कार्डियक फंक्शन ब्रीदिंग एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड causes इसमें जो हमने बताया कि ऑक्सीजन का प्रमाण कम होना है लो ब्लड प्रेशर बहुत लोग कश्मीर वगैरह घूमने जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है तो हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर कम होने से भी होता है ब्लड में एसिड का प्रमाण बढ़ने से शुगर कम होने से और एक पोटेशियम जो होता है तो पोटेशियम लेवल कम होने से मैग्नीशियम लेवल कम होने से भी होता है और हार्ट के कुछ बीमारियां हैं जैसे लंग्स में हवा भर जाना या कोई खून के अंदर में गुठली जमा हो जाना उसको थ्रोमो एम्बुलिजम भी होता है और एक पॉइजनिंग इसका डायग्नोसिस कैसा करना चाहिए हमारे एक्सपर्ट बताएंगे और लॉस ऑफ टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट आज हमारा तीन बजे मतलब डॉट तीन बजे हमने प्रोग्राम शुरू किया है तो दैट टाइम और आप किसको भी देखते हैं बहुत बार तो सोचते हैं कि ये दारू पी के पड़ा होगा या कोई अननोन आदमी होगा बट एटलीस्ट जो भी अननोन भी है हम लोग डॉक्टर्स लोग फ्लाइट में जाते हैं और फ्लाइट में एक आधा व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है बेहोश हो जाता है तो वहां से अनाउंसमेंट होती है कि इस देर इन डॉक्टर इन द फ्लाइट तो उस समय हमारे डॉक्टर्स लोग जाते हैं और स्पेशली उसमें जो अनास्ेशा वाले एक्सपर्ट रहते हैं उनके पास कभी कभी उनके इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं और वो लाइफ बचाते हैं अपने पेपर में पढ़े होंगे ये न्यूज पेशेंट बेहोश हो जाता है उसके पल्स आप देखते हो तो नाड़ी नहीं लगती है और उसका स्वास्थ्य जो है वो भी बंद हो जाता है हाउ सी पी आर वर्कस ये न्यू लाइफ जिसको हम पुनर्जन्म कहते हैं पेशेंट अनकॉन्शियस है हार्ट बंद हो चुका है बहुत बार लोग बोलते हैं कि डेड हो चुका है बट स्टिल हमने यदि कोशिश की कि ये बच सकता है तो आपके एफर्ट आपके तीन मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे और उस समय ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने सी देने के बाद कोई आपको बोलेगा कि आपने ज्यादा दिया कुछ फ्रैक्चर हुआ रिप का आपके कारण ऐसा हुआ तो डोंट थिंक दैट आपने अच्छे इंटेंशन के लिए किया है तो योर वर्क विल बी अप्रिसिएटेड स्टार्ट विद इन फोर मिनट्स ऑफ कार्डिया करेस्ट एक एक मिनट वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है और चार मिनट भी यदि अपना ब्रेन काम ऑक्सीजन नहीं मिला तो हार्ट भी बंद होता है दीज आर द वेरियस इक्विपमेंट्स हमारे एक्सपर्ट लोग बताएंगे इसके बारे में मैं अर्ली कैसा बताना चाहिए कि जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं एक आदि कोई चक्कर आता है उस दिन हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था और एक वकील साहब भाषण दे रहे थे भाषण देते देते दे उनको ग्लानी आ गए और गिर गए हमारे डॉक्टर ने तुरंत उनको रिवाइव ही किया और दैट ही वॉज सेव्ड तो ब्रीदिंग कैसा देना चाहिए कैसा पेशेंट का कैरोटिड कैसा चेक करना चाहिए और उसके सीक्वेंस क्या होते हैं कॉम्प्रेशन एयरवे ब्रीदिंग ये सब हमारे एक्सपर्ट लोग बताएंगे उसका टेक्निक कैसा होता है और कितने देर तक करना चाहिए कब बंद करना चाहिए और हॉस्पिटल में पहुंचाने तक कैसा वो पेशेंट वहां तक जाना बहुत ज़रूरी है आपने एक बार शुरू कर दिए जैसे इंजन एक बार शुरू हो गया जैसे हमारे कार की बैटरी डाउन होती है तो हम लोग धक्का मार के शुरू कर देते हैं तो एटलीस्ट गैरेज तक तो पहुंचती है कार तो सिमिलरली हमारे हॉस्पिटल तक पहुंचाने में आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और एयरवे बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद में ब्रीदिंग इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आपने पिक्चर में देखा होगा हिंदी पिक्चर में बहुत बार कि ये लोग हीरोइन स्विमिंग पूल में गिरी है माधुरी दीक्षित की एक मूवी आई थी और अनिल कपूर उसको ये देते हैं तो दैट इज़ डिफरेंट बट आपको एक्चुअल में कैसा देना है क्यों देना है क्या देना है ये एक्सपर्ट लोग चेस्ट कॉम्प्रेशन कब करना है और वे वेरियस इंस्ट्रूमेंट ये बहुत सारे हमारे पास में ट्यूब्स है, है तो उसके बाद में वेरियस डिवाइसेस है इसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब गौरी अरोरा मैडम बताएंगे इसके बाद में मैं इनको दरख्वास्त करना चाहूँगा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैडम प्लीज़ आप हमें अवगत कराइए आप यूआर एक्सपर्ट डॉक्टर गौरी अरोरा मैडम

जो ज, जन साधारण व्यक्ति सी पी आर का आ, वो हिस्सा अगर करें तो किसी की ज़िंदगी रिवाइव करने में हेल्प हो सकती उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट तो हम पूरा का पूरा सी पी आर एक बड़ा टर्म होता है उसमें जैसे कि कोबरागड़े सर ने बोला कि हार्ट को स्टार्ट करने का प्रोसेस रहता ब्रीदिंग देना पड़ता है तो ब्रीदिंग देना एक साधारण पब्लिक के लिए थोड़ा सा मुश्किल जाता है ये मैं बाद में बताऊंगी कैसा क्यों बट साधारण पब्लिक जो कर सकती वो है छाती में सनपीड़न दे के यानी छाती में दबाव डाल के उसके हार्ट को कैसे रिस्टार्ट कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट ये सीखने के बाद आप में से हर व्यक्ति किसी की जान बचाने में सक्षम हो सकते हैं तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसीजर है प्रक्रिया है देखिए जो अचानक की हृदय गति रुक जाना किन कारणों से हो सकता है ये घोबरागड़े सर ने अभी आपको बताया हार्ट अटैक आने से हो सकता शुगर लेवल कम होने से हो सकता अब अगर टेम्परेचर जैसे बहुत ठंडी जगह पे चले गए तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता तो हो सकता बॉडी में एसिड की मात्रा कम ज़्यादा हुए तो हो सकता तो कई सारे कारण हो सकते हैं हृदय गति अचानक रुकने की ऐसा देखा गया है कि भारतवर्ष में सात लाख लोगों की भी मृत्यु अचानक उनके हृदय गति रुकने के कारण होती है वजह चाहे कोई भी हो हार्ट अटैक हो हाइपोथर्मिया हो हाइपोग्लाइसीमिया या कोई भी चीज ठीक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो अचानक हृदय गति रुक जाती ये यंगर जनरेशन में अब ज्यादा देखने को मिल रहा है इसका मैं उदाहरण आपको दूंगी आप लोगों ने देखा होगा कई सारे न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे अभी हाल ही में जैसे पिछले अक्टूबर में गरबा में बहुत सारे लोग गुजरात में गरबा करते करते तकरीबन दस लोग यंग लोग उनकी अचानक वो कोलैप्स कर गए वहीं पर भूमिगत हो गए और जब तक उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक उनकी मृत्यु हो हो चुकी थी तो उस हालात में जब तक आपके सामने अगर कोई कोलैप्स हो गया और एम्बुलेंस आने तक का जो समय है वो एक समय है जहाँ पर हम में से हर कोई एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है ये प्रोसेस शुरू कर सकता है जिससे कि उसका उसको बचाने की संभावना बढ़ जाती है हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वो समय को खाली नहीं छोड़ना होता क्यों देना चाहिए सीपीआर सीपीआर मतलब यहाँ पर सीपीआर का मतलब है कोल्स यानी कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट ब्रीदिंग की बात हम नहीं करेंगे सिर्फ छाती में दबाव डालना उतना भी करें तो काफ़ी है ये देखा गया है कि अगर बाई स्टैंडर्ड यानी जैसे आप घूमने गए बगीचे में गए वहाँ पे कोई आपके सामने कोलैप्स हो गया तो आप लोग वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं आसपास के उन्होंने अगर उस कोलैप्स्ड विक्टिम पे कोर्स किया यानी कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट दिया तो उसके विक्टिम के बचने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए सी देना चाहिए तकरीबन ढाई लाख लोग जिनका मतलब जो ये सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं इसको इसके विक्टिम जो है वो आउटसाइड द हॉस्पिटल होता है हॉस्पिटल में बहुत लोगों की मृत्यु होती है आप लोगों ने भी सुना है मतलब ये होता ही है पर हॉस्पिटल के बाहर भी ढा दा, तकरीबन ढाई लाख लोगों की मृत्यु अचानक गति बंद होने से होती है उसमें से किसी ने अगर कुछ भी नहीं किया और वहीं वो मरीज़ पड़ा रहा विक्टिम पड़ा रहा जब तक कि एम्बुलेंस आया लेके गए तो इसके बाद उस व्यक्ति की बचने उस उस हालात में बचने की संख्या जो है वो तकरीबन पाँच से दस परसेंट है अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो पर अगर वहां खड़े लोग उसको सी देते हैं उसको कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट देते हैं तो यही पाँच से दस परसेंट जो है उसकी संख्या दो से तीन गुना परसेंटेज उसकी बढ़ जाती है ये कारण है कि हमें सी देना चाहिए क्या उससे फायदा क्या होता है exactly एग्जैक्टली हम क्या करते हैं जब हम कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट देते हैं जैसे किसी की अचानक आप जानते हैं कि धड़कन जब हमारी हार्ट बीट होती रहती है तो क्या होता हार्ट से ब्लड निकलता है शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में वो ब्लड पहुंचाता है जैसे कि ब्रेन लंग्स किडनीज ऐसा तो जैसे किसी का अगर अचानक गति रुक गया तो क्या होता उसके हार्ट से ब्लड जा ही नहीं पा रहा जा नहीं पा रहा तो उसके दूसरे अंगों में ब्लड पहुँच नहीं रहा ब्लड क्या करता ऑक्सीजन लेके जाता है शरीर के दूसरे सभी अंगों में तो वो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाता ब्लड और ऑक्सीजन दोनों जाना बंद क्योंकि हार्ट बीट बंद हो गया तो उस हालात में हमको हार्ट के ऊपर दबाव डाल के मैकेनिकली उसको शुरू रखना पड़ता ताकि जैसे हम दबाव डालें तो हार्ट से ब्लड बाहर जाएगा ये आपने मैकेनिकली किया क्या होता कभी कभी जैसे हमारी गाड़ी घर पे बंद पड़ जाती है तो हमको थोड़ा सा उसको धक्का देने के बाद वो शुरू भी हो जाती तो ये कुछ इस तरह का है हमने उसको मैकेनिकली शुरू करना होता है ताकि जितना भी ब्लड हार्ट में है वो जाए उसके दूसरे ऑर्गन में पहुँचे जितना भी ऑक्सीजन है वो उसके दूसरे अंगों में पहुँचे सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है जिस जो जल्दी ख़राब होने लगता है डैमेज होने लगता है ब्लड नहीं पहुँचने से वो है ब्रेन जैसा कि सर ने बोला कि अचानक गति रुकने के चार मिनट के बाद ब्रेन का डैमेज धीरे धीरे शुरू हो जाता है और नौ मिनट तक अगर उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जिसको आप लोगों ने कोमा सुना होगा वेजिटेटिव स्टेट है ना हार्ट तो दोबारा मशीन लगा के या वो करके आप रेस्पिरेशन भी उसका मशीन लगा के वेंटिलेटर लगा के शुरू कर सकते पर ब्रेन एक बार अगर उसके सेल्स ख़राब हो गए मर गए तो उसका कुछ नहीं हो सकता वो इंसान वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता तो हम क्या करते हैं उस समय कि हार्ट में दबाव डाल के जो ऑक्सीजन है वो उसके वो ब्लड और वो ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक पहुंचाते जब तक कि हमारे को हेल्प नहीं मिल जाता मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाता ठीक है तो वो ब्रेन के डैमेज को रोकता है प्रैक्टिकली तो हमें ये कैसे करना चाहिए जैसे सर ने बोला कहीं पर भी हो सकता एक्सीडेंट से भी किसी का आ, ब्लीडिंग बहुत हो गया गति रुक गई स्विमिंग पूल में डूब गया गति रुक गई तो हमें सबसे पहले उनको सेफ्टी में लाना होता है एक सेफ जगह पे अब स्विमिंग पूल में है तो हम बाहर निकालेंगे रोड के बीच में एक्सीडेंट होता तो हम उनको साइड में लाएंगे तो एक, एक एंश्योर सेफ्टी पहला स्टेप है सुरक्षित जगह पर लाना इसके बाद हमें ये तीन स्टेप बहुत वाइटल है इसमें अर्ली रिकॉग्निशन एंड एक्टिवेशन अर्ली रिकॉग्निशन यानी जैसे कभी आप लोग देखे होंगे जो डायबिटीज़ वाले लोग हैं खा, बिना खाए पिए अगर कहीं जाए तो चक्कर आए गिर गए तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि उनका हार्ट बंद हो गया या सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ ऐसा नहीं है वो सिर्फ बेहोश हुए हैं कुछ वक्ती तौर के लिए तो हमें पहचानना कि उसका वाकई हृदय गति रुका है ना कि वो केवल बेहोश है ये है पहला स्टेप वो कैसे पहचानेंगे वो हम आपको बताएंगे जैसे आपने पहचाना कि नहीं वो सिर्फ बेहोश नहीं हुआ उसका हृदय गति रुका है दूसरा है अब आपने एक्टिवेशन आ, एक्टिवेशन करना है। क्या एक्टिवेशन का मतलब आपने हेल्प बुलाना है आपने एम्बुलेंस बुलाना आपने आजू बाजू के लोग बुलाना दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन इसके बाद आपने जल्दी से उनके छाती में दबाव शुरू करना क्योंकि उसका हृदय गति तो रुका हुआ और हमारे लिए हर सेकेंड उस समय बहुत कीमती होता है तो आपने जल्दी से जल्दी उसके छाती में दबाव डालना जिसको सन छाती सनपीड़न बोलते हैं और तीसरा जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, यानी एम्बुलेंस बुलवाना एम्बुलेंस में कई तरह के इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिससे कि उन उसके हार्ट को रिस्टार्ट करने की कोशिश की जा सकती दूसरे भी और एडवांस प्रक्रिया करते हैं तो ये तीन स्टेप ये तीन कड़ी इस श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण है पहले आप पहचाने कि उसकी अचानक धड़कन बंद हो गई हृदय गति रुक गई हेल्प मांगे दूसरा आप छाती संपीड़न शुरू करें और तीसरा उसको जल्दी ट्रांसफ़र करें तो हमने एक सुरक्षित जगह पे उसको ला लिए फिर हम उसको चेक रिस्पॉन्स यानी हम देखेंगे कि वो बेहोश है सिर्फ कि उसकी हृदय गति रुकी कैसे पहचानेंगे चेक रिस्पॉन्स हमारे घर में भी कोई ऐसे ठीक नहीं लग रहा किसी को बैठ जाता तो हम पूछते हैं ना जनरली कि आप ठीक हो तो इसी तरह से हम उस विक्टिम के छात, ऐसे शोल्डर पे कंधों पे थप थप आके पूछेंगे कि क्या आप ठीक हो ठीक है और देखेंगे उसका रिस्पॉन्स रेस्पॉन्स में क्या हो सकता वो हो सकता है थोड़ा सा कुछ बोलने की कोशिश करें थोड़ा सा कोई आवाज करे खांसी करने की कोशिश करे ऐसा हो सकता है इसका मतलब वो उसका हार्ट तो शुरू है पर वो सिर्फ बेहोश हुआ है क्षणिक ठीक है तो वो रेस्पॉन्स कर रहा है आपको अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो आपने उसको वहीं छोड़ देना लेकिन उसको ऑब्जर्व करते रहना है उसको देखते रहना है कि उसको आगे तकलीफ बढ़ती तो नहीं है अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता अब आप समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है आपको मदद के लिए बुलाना चाहिए अपने आसपास के लोगों को और बोलना चाहिए किसी को कि एम्बुलेंस को जल्दी से जल्दी बुलाओ एम्बुलेंस महाराष्ट्र एम्बुलें एमरजेंसी एम्बुल मेडिकल सर्विसेज का नंबर 108 है ये तो आप सब लोगों को मालूम है तो वो बुलाना है अब ये आपने किसी को बोल दिया तो वो व्यक्ति जो एम्बुलेंस को बुला रहा उसके लिए भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस है कि वो क्या बोलेगा कई बार ऐसा होता कि फ़ोन करता अजी यहाँ पे कोई गिर गया है बेहोश हो गया आप जल्दी से आओ एम्बुलेंस कहाँ आए आपको बताना पड़ेगा आप कौन बोल रहे हैं तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप पहले बोलो आप कौन हो आप किस जगह हो ठीक है फिर जो आपके सामने गिरा हुआ है विक्टिम कई बार एक होंगे और अगर कोई मास कैजुअलिटी वगैरह हुआ तो वहां तो बहुत सारे विक्टिम होंगे तो वहां पे हमें अलग किस्म की मदद लगेगी है ना कहीं पर जैसे मलबे के नीचे बहुत सारे लोग कुछ दस गया गिर गए तो वहां तो बहुत सारे विक्टिम हो सकते तो इसलिए जरूरी है कि हम एम्बुलेंस को बोले कि कितने विक्टिम है ठीक है और उसमें क्या एज के हैं क्या बच्चे भी हैं बड़े भी हैं और ये जल्दी जल्दी हमको बताना है और उनके जनरल कंडीशन कैसे हैं फटाक से कि दो व्यक्ति बेहोश है और तीन चार को बहुत चोट लगी ये बोलना है आपने और आपको मदद करने वाले कितने लोग हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने देनी अगर आप अकेले हैं उस जगह पर आपको मदद करने वाला कोई नहीं है तो आप मोबाइल को स्पीकर पे 108 डायल करके स्पीकर पे रखिए और ये इन्फॉर्मेशन आप उनको दीजिए तब तक आप विक्टिम को जांच भी कर लें ठीक है कैसे हमें जांच करना उसने तो रिस्पोंड किया नहीं है आपने मदद भी बुला लिया अब कैसे जांचना कि क्या उसकी गति रुक गई है तो इसके लिए हम देखते हैं कैरोटिड पल्स कैरोटिड पल्स सबसे आसानी से मिलता है तो आप सब लोग प्लीज़ नेक के ऐसे सेंटर में देखिए हाथ लगाइए प्लीज़ ये हमारे सांस का रास्ता है इसके ठीक साइड में थोड़ा उंगलियों को ले जाइए एक आपको यहाँ ग्रुप सा मिल रहा खचका सा मिल रहा वहाँ पे प्लीज़ अपने ये दोनों तीनों उंगलियों से फील कीजिए वहाँ पे ऐसे पल्सेशन आपको फ़ील होगा यानी हमारी धड़कन जितने बार बीट कर रही वो पल्सेशन आपके ये कैरोटिड पल्स में फील होगा नेक के सेंटर से साइड में ठीक है सबको फील होगा क्योंकि हम सब जिंदा हैं। और साथ में जैसे आप ये पल्स फील कर रहे हैं आपने जैसे ये चित्र में देखिए, हम सांस लेते हैं तो हमारा पेट ऊपर नीचे होता छाती ऊपर नीचे होता तो हम नर्वस को देखते देखते पल्स को फील करते करते हम देखेंगे कि उसका छाती ऊपर नीचे हो रहा कि नहीं यानी वो सांस ले रहा कि नहीं एक जिंदा व्यक्ति का क्या दो चीज़ों से हम पहचानते कि वो उसका धड़कन चलता है और उसकी सांस तो यही दो चीज़ें हमने यहाँ भी चेक करना है कि उसकी पल्स फील हो रही कि नहीं और उसका ब्रीथ ले रहा कि नहीं तीसरी चीज जब आप उसकी चेक कर रहे हैं कि छाती ऊपर नीचे हो रहा कि नहीं सांस ले रहा कि नहीं तो आप अपने गाल उस विक्टिम के नाक के पास भी लेके जा सकते हैं जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो वो एयर ब्लास्ट को आपके गालों में महसूस हो सकता ये एक और तरीका है पहचानने का लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें ख्याल रखना कि ये जो हम जांच रहे हैं ये केवल हम 10 सेकंड के अंदर जांचेंगे हमारे पास वक्त बहुत कम है हमें चेस्ट कंप्रेशन छाती संपीड़न जल्दी से जल्दी शुरू करना है तो ये जो जांच है कि उसकी धड़कन चल रही कि नहीं पल्स है कि नहीं और सांस ले रहा कि नहीं हम केवल दस सेकेंड में जाँचेंगे दूसरी बात जब हम पल्स देख रहे हैं तो गले के एक ही साइड में देखना दोनों साइड में एक साथ में नहीं दबा के देखना क्योंकि ये जो कैरोटिड है कैरोटिड आर्टरी है ये धमनी है जिसमें आप फील कर रहे हैं वो हमारे ब्रेन को ही ब्लड सप्लाई करती है ठीक है ब्रेन की तो बात कर रहे हैं तो हमने अगर दोनों तरफ में दबा दिया एक साथ में तो हो सकता थोड़ी देर में आपको ही चक्कर आने लगे है ना मतलब ऐसा आप अभी भी टेस्ट मत करना पर मरीज के भी एक ही साइड देखना है केवल दस सेकेंड में ये इम्पोर्टेंट है हम हमने देखा उसका पल्स भी नहीं है उसका सांस भी नहीं चल रहा हमें एयर ब्लास्ट भी नहीं फील हो रहा अब आप शुरू कर दीजिए चेस्ट कंप्रेशन ये सबसे सीपीआर का सबसे वाइटल हिस्सा है कहाँ देते हैं छाती के ये देखिए जो यहां बोन है चेस्ट बोन बोलते हैं हम उसको उसका जो आखिरी छोर है टिप है उससे दो उंगली ऊपर, देखिए दो उंगली ऊपर, ऐसे, कैसे देना है हम एक हाथ सामने करते हैं उसके ऊपर दूसरा हाथ ऐसे रखते हैं लॉक करते हैं और इसके बाद उसके छाती में जिस पोजीशन में मैंने बताया वहाँ पर हम दबाते हैं हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे हमको हाथ को स्ट्रेट रखना है ऐसे ढीला ऐसे आ, मुड़ा हुआ नहीं चाहिए ऐसे स्ट्रेट चाहिए लॉक करके यानी हमारा ये जॉइंट ये जॉइंट और शोल्डर जॉइंट तीनों एक लाइन में आना चाहिए लॉक करना है तीनों जॉइंट्स को ताकि वो ऐसे मुड़े ना या हम ऐसे ना रखें ये गलत पोजीशन है इसलिए मैंने ये दिखाया ऐसे जैसे आप इनका देख सकते हैं इस एंगल पे रखना पूरा स्ट्रेट ये इंपॉर्टेंट है ये जो छाती संपीड़न देंगे इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या रेट होना चाहिए क्या रफ्तार होना चाहिए 120 प्रति मिनट कम से कम 100 प्रति मिनट यह बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा छाती उसका अच्छे से दबना चाहिए पाँच से छः सेंटीमीटर यानी दो इंच नहीं तो हम अगर ऊपर ऊपर से दबाए तो वो ब्लड उसके हार्ट में से निकलेगा नहीं जब हम दबाते तो क्या होता है जो हार्ट है वो हमारे छाती के जो बीच की हड्डी है और पीछे जो रीढ़ की हड्डी है दोनों के बीच में कुछ इस प्रकार सा दबता है तो उसके लिए आपको काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा कि आप उसको दबाएं ताकि हार्ट ये दोनों बोन के बीच में दबे तब उससे ब्लड बाहर जाएगा तो ये फाइव टू सिक्स सेंटीमीटर या दो इंच कम से कम दबना 100 से 120 प्रति मिनट के रफ्तार होना और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जितना आप दबाओ उतना ही आप छाती को ऊपर आने दो यानी आप दबा के नहीं रखना दबाइए और छोड़िए वो इसलिए क्योंकि जब हमने दबाया हार्ट से ब्लड तो बाहर गई जब आप छोड़ेंगे तो ब्लड वापस हार्ट में आएगी जब आप दूसरी बार दबाएंगे तो फिर आपके उस हार्ट में ब्लड रहेगा दबाने के लिए है ना अगर आपने दबा के ही रखा तो ब्लड वापस तो आ ही नहीं सकता तो अगले भी, अगले बार दबाने के लिए ब्लड नहीं रहेगा इसलिए जितना दबाए उतना उसको छोड़ना इंपॉर्टेंट है ये तीन चीजें ही आपको एकदम ध्यान में रखना कि 100 से 120 प्रति मिनट पांच सेंटीमीटर दबाना और जितना दबाना उतना छोड़ना ये कितना दबाना कितने देर दबाना जब आप दबा रहे हैं तो आप काउंट करिए आपके साथ में अगर कोई हेल्प हेल्प मिल गया आपको दूसरा व्यक्ति तो उसके लिए वो मददगार होगा क्योंकि ये एक बहुत जो हम किसी की छाती में दबाते हैं वो काफ़ी एक ताकत वाला काम लगता है काफ़ी जोर लगता है फोर्स इस्तेमाल करना पड़ता थोड़े से देर में आप थक जाएंगे इसलिए अगर आपके साथ में कोई दूसरा व्यक्ति भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया तो लेकिन आपने कितने देर दबाना है आप एक से तीस तक की गिनती करते हुए दबाइए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे वन टू थर्टी आप काउंट करिए जिसको कि हम एक साइकिल बोलते हैं वन साइकिल वन टू थर्टी काउंट इसके बाद आप दोबारा से वन टू थर्टी काउंट तक करिए वो होगा दूसरा साइकिल इस तरह से आप पांच साइकिल दीजिए पांच साइकिल देने के बाद में अब आपके साथ में जो दूसरा मदद करने वाला व्यक्ति आया आप उसको बोलिए कि अब आप आ जाओ क्योंकि अब आप थक चुके होंगे आप थक जाएंगे इफेक्टिवली नहीं देंगे तो वो आ, रिवाइवल के चांसेस नहीं रहेंगे उस विक्टिम के अब इसका क्या परिणाम हो सकता हो सकता उनको उनका धड़कन चलने लगे हो सकता वो जो विक्टिम है वो आवाज़ करने लगे वो कॉन्शियस होने लगे थोड़ा सा खांसने की कोशिश करें या कुछ बोलने की या थोड़ा सा हिले इसका मतलब उनका हार्ट शायद फिर से शुरू हो गया है तो आपने उस विक्टिम को साइड पे रख देना है जिसको हम रिकवरी पोजीशन बोलते हैं ठीक है ऐसे करवट पे कर देना है और ऊपर का हाथ नीचे के कान के नीचे रखना है ताकि उस हालात में कई लोगों को उल्टी हो जाती और किसी को जो पूरे बेहोशी से बाहर नहीं आया उसको अगर उल्टी हो तो उसकी उल्टी सांस के रस्ते में जाने का अंदेशा रहता है इसलिए उस विक्टिम को करवट पे रखिए और विक्टिम का जो ऊपर वाला साइड है ऊपर वाला हाथ नीचे वाले कान के नीचे रखवाइए कुछ इस तरह से जिसको रिकवरी पोजीशन बोलते हैं अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता यानी आपने पांच साइकिल पूरा कर लिया पांच साइकिल पूरा करने के बाद जब तक आपका दूसरा रेस्क्यूअर आपके पास पे आ रहा है आप एक बार एस करिए वापस कि उसकी पल्स चल रही कि नहीं शुरू हुई कि नहीं और उसका रेस्पिरेशन भी शुरू हुआ कि नहीं जब तक के दूसरा दूसरा वाला जो रेस्क्यूअर है दूसरा मददगार आपके जगह पे आए वो टाइम को यूटिलाइज करना अगर विक्टिम नहीं उसको कॉन्शियसनेस आती तो आपने वापस से ये साइकिल को शुरू रखना है यानी फिर से एक से तीस का एक साइकिल दो साइकिल ऐसा पांच साइकिल फिर देना है फिर एसेस करना ये प्रक्रिया को शुरू रखना है अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको सेफ्टी अपनी और उस विक्टिम की इंश्योर करना बहुत जरूरी है सबसे पहले कहीं आग वगैरह लगी तो आप पहले साइड में सेफ जगह पे खुद आ जाना वो सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा अगर कोई व्यक्ति ऐसे ही गिरा है सिर्फ और उसका धड़कन बंद नहीं हुआ तो उस पर आप ये सी शुरू ना करें ठीक है क्योंकि काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर होता है जब आपको हार्ट शुरू करना हो आप इतने जोर से दबा रहे तो नेचुरली पेनफुल होगा तो उसपे नहीं करें तीसरा जो रिब्स है आपको कहाँ पे देना हो पोजीशन फिक्स है कि जो सेंट्रल चेस्ट बोन है उसके नीचे में भाग में देना है साइड में आजू बाजू में रिब्स के ऊपर नहीं देना नहीं तो रिब्स टूट जाएंगी ठीक है चौथा माउथ टू माउथ ब्रीदिंग आपने जैसे घोबड़ा सर ने बोला पिक्चर में देखा होगा कि स्विमिंग पूल में वो हीरोइन गिर जाती हीरो उठाता माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देता और वो जग जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है माउथ टू माउथ ऐसे आ, देने से ब्रीदिंग एडवाइजेबल नहीं है इन कोविड के बाद से दूसरा ज, ये अगर कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो उसके लिए तो ये है कि तीस बार चेस्ट कंप्रेशन दे और इसके बाद दो बार सांस दें उसको ब्रीदिंग दे पर माउथ टू माउथ नहीं हमारे पास मास्क रहते जो हम आपको दिखाएंगे या हमारे पास बैग रहता सांस देने की उससे दबाएंगे लेकिन जो आम जनता है लेप पब्लिक है उनके लिए ये आजकल देखा गया है कि जब वो तीस बार दबाने के बाद दो बार सांस देने जाते हैं ना तो वो टाइम खराब हो जाता उसमें और जो ब्लड जाना चाहिए दबाव देने पर वो टाइम लॉस हो जाता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं देखा गया ऐसे रिसर्च में मिला है इसलिए जनरल पब्लिक के लिए अब ये गाइडलाइन है कि आप कोई रेस्पिरेशन मत दो माउथ टू माउथ तो बिल्कुल मत दो कोविड के बाद का आ, से आया हुआ दूसरे भी रेस्पिरेशन की जरूरत नहीं आप सिर्फ और सिर्फ हार्ट में दबाव डाल के उसके ब्लड को किसी तरह ब्रेन तक पहुंचाते रहो और आ, ये आपको लेना है प्रिकॉशन और चेस्ट कंप्रेशन को बंद नहीं करना अब आपको ये प्रक्रिया सी की या कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट की कितने देर करना है ये एक सवाल बहुत आता है तो जब तक आपकी मेडिकल हेल्प नहीं आ गई एम्बुलेंस नहीं आ गया या दूसरा कोई ट्रेन रेस्क्यूअर जिसको आता हो ये प्रोसीजर आपने तो सीख लिया पर हो सकता है मतलब कहीं पर ऐसी घटना हो तो दूसरे को नहीं आता तो फिर उसको कैसे देंगे तो कोई ट्रेन रेस्क्यूअर जब तक नहीं आ जाता तब तक आपको करना है तीसरा विक्टिम को आप साइंस ऑफ लाइफ यानी थोड़ा आवाज़ करने लगा थोड़ा खांसने लगा हिलने लगा आपको लग रहा है कि उसको बेहोशी से वो बाहर आ रहा तो आपने उसको छोड़ना है चौथा आप करते करते इतना थक गए कि आप अब कर ही नहीं सकते क्योंकि आप अकेले हो जो कि वैसे तो करना ही चाहिए मेरे हिसाब से जब तक क्योंकि आप किसी की जिंदगी बचाने का सवाल होता है तो ये एक पॉइंट फिर भी हो सकता एंड पांचवा वो प्लेस अनसेफ हो गया आपके और के लिए यानी आग लगी और आग पूरी और फैल रही है ना तो वो आपके लिए भी जगह अनसेफ हो जाएगा तो उस हालात में आप इस प्रक्रिया को बंद कर सकते हैं तो लेकिन ये करना सबको आना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ये काफी प्रमोट कर रही है अभी डिफरेंट क्यूरिकुलम्स में आने लगा है कि ये सी सिखाया जाए लगता है आर के बारे में खोबरागढ़ सर ने और गौरी ने बहुत अच्छे से बताया कुछ टिप्स इसलिए है कि हमने क्यों देना चाहिए हार्ट चालू करना और ब्रेन को सर्कुलेशन देना बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट्स वाई वो टाइम पे हो जाना चाहिए इसीलिए ये सिखाना बहुत जरूरी है और इस जो हॉल में बैठे हुए जो भी लोग हैं उसमें से एक जन में भी, भी अपने लाइफ टाइम में एक जन को बचा दिया है सी देके तो हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहेगा ऐसा में मेरी इच्छा है तो ये आप सिंसियरली सीखें और ये सिंसियरली इसलिए भी सीखना चाहिए कि ये साइंटिफिक वे से होना चाहिए अगर साइंटिफिक वे से नहीं करेंगे आप तो पेशेंट को बचाने से ज़्यादा उसको इंजुरी पहुंचाएंगे दैट्स वाई द टीचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आप जिस ढंग से ये सिखा रहे हैं जिस ढंग से कॉम्परेशन देना चाहिए उसको प्रॉपरली सीखिए और जिसने प्रॉपरली सीखा है उसी ने ये चीज़ें करना चाहिए न कि कोई भी आके एक बार देख लिया कहीं कॉम्परेशन ऐसा कर रहा है या पिक्चर में देख लिया और आके दबा दिया तो उससे पेशेंट को बेनिफिट से ज़्यादा उसकी इंजरी ज़्यादा होंगी तो मैं इसके साथ चाहता हूँ कि आप डेमोन्स्ट्रेशन ले और किस ढंग से करना आप खुद भी करें ताकि पेशेंट को या व्यक्ति को उसका फायदा हो थैंक यू हार्ट अटैक आ गया है या हार्ट रुक गया है फॉर ऑल पर्पस तो हमको उसको कैसे स्टार्ट करना है तो ये दो मैनिक्विन हमने यहाँ पे लाए हैं और मैनिक्विन के ऊपर हम चाहेंगे कि आप लोग एक एक इंसान जो भी यहाँ पे आया है अपना हाथ साफ करके जाए मतलब बोलने का मतलब ये है कि प्रॉपर टेक्निक हम लोग आपको सिखाएंगे अभी गौरी अरोड़ा मैम ने शंकर सर ने चाम सर ने लेक्चर वगैरह लेके आप लोग को बता दिए सभी टेक्निक्स वगैरह जो आपके ध्यान में है और आप लोग को हम लोग हेल्प करेंगे ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग आपको के चेस्ट कंप्रेशन कैसा है क्या है एक एक चीज हम आप लोग को बताएंगे ये देखिए ये जैसे कि ये वीडियो में दिखाया जा रहा है कि बंदा अचानक से गिर गया और यहाँ पे ये मोहतरमा लेडी आई है इसको देखने के लिए कि क्या हो गया है देखिए वो क्या पूछ रही है उसके शोल्डर पे टैप करके आर यू ऑल राइट क्या आप ठीक हो जो कि मैम ने हमें बताया था और इमिडिएटली कॉल फॉर हेल्प अब उन्होंने पेशेंट की चीन को लिफ्ट किया और साथो साथ वो देख रहे हैं कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है देखिए वो क्या कर रहे हैं कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है ये देख रहे हैं और अब उसने पेशेंट को सेफ जगह पे ले जाके एक्सपोज करके उसने पल्स भी देख ली थी और अब ये चेस्ट कंप्रेशन इसने करना शुरू कर दिया तो चेस्ट कंप्रेशन करने का जो तरीका है देखिए कि आपको इस तरीके से पेशेंट के बाजू में रहना है और अपने एल्बोस को लॉक करके एक मिनट में सौ बार हंड्रेड पर मिनट कंप्रेशन आपको करना है

बस राइट इट्स अ टाइट सा टाइट ना यार पास आइए पैरों पर क्या करना पड़ेगा कि करना सब हो जाए मतलब कि जो है अरे चलो बैठिए दबाइए दबाइए ऐसे करो 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 ओहो बस

सबने इतना उत्साह उत्साहपूर्ति साथ दिया है और अभी भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सो आई एम श्योर कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव टिप्स हम लेके जा रहे हैं घर पे और इमरजेंसी में क्या करना है हमको पता है भले ही उसके लिए थोड़ा और प्रैक्टिस लगेगा बट एटलीस्ट वी नो कि कैसे करना है और क्या करना है कॉल कैसे करना है बाकी सब चीज़ें हम सीख गए हैं सो so उसमें से दो जो उत्साही कार्यकर्ता थे जिन्होंने बहुत अच्छे से किया है मैं जैन सर और खोबरागढ़ सर को बोलूंगी उनको फैलिसिटेट करेंगे सर धनराज डोंगरे आशीष गजबी है थैंक यू खोबरागढ़ सर फॉर टेकिंग इनिशिएटिव और ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए बिकॉज ये सच्ची में इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबको इसका ज्ञान होना ज़रूरी है थैंक uh, यू चाम सर ये को, प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करने के लिए गौरी मैडम और इमरान सर ने बहुत अच्छे से डेमो दिया और गौरी मैडम ने बहुत अच्छे से हमको इसके बारे में समझाया है सो थैंक यू बोथ ऑफ यू

Um, we will meet soon with the next um, awareness program. Thank you.